हाय दोस्तों, मेरा नाम अमन है और जैसे आप देख रहे हैं ये रूम बहुत ख़राब है। हम इसे पानी लगाकर अभी निकाल चुके हैं और इसे पुट्टी टचअप करके और फिर घसाई करके प्राइमर करके कलर करने वाले काम है। ये देखिए कितना गंदा हो चुका है, पूरा पोपड़ी से भरा बिरला वाइट की ऐड तो सुनी होगी, वही पुट्टी यूज करेंगे हम इसमें और उसे पपड़ी की छुट्टी कर देंगे इस रूम में और पूरा लेवलिंग करके फिर पेंट करेंगे। देख सकते हैं जगह जगह पर पपड़ियाँ निकली हुई थी। ऐसे ये जो कलर है येलो कलर था पहले, और इसके बाद हम जो करेंगे थोड़ा लाइट करेंगे, इसको लाइट क्रीम कलर करेंगे। सीलिंग में भी देखिए पपड़िया है और जो कॉर्नर्स है उसमें पूरा प्लास्टर निकल चुका है। पीओपी के कॉर्नर्स बनाए गए थे वो उन्होंने निकाल दिए हैं, और ये पट्टा ब्राउन कलर का देख रहे थे वो डिज़ाइन वाला पीओपी का पट्टा है, उसको भी हम पुट्टी करके प्लेन कर देंगे। तो ये है मेरे पार्टनर प्रशांत। पुट्टी की का काम हो चुका है और घसाई का भी काम हो चुका है, इसके बाद हम प्राइमरिंग शुरू है। देखिए रोलर से फिनिश कर रहे हैं। रोलर से क्या है कि ज़्यादा पेंट वेस्ट नहीं होता, ना नीचे गिरता है, और ब्रश की तरह पट्टे भी नहीं आते। देखिए प्रशांत जी अच्छे से मिलाते हुए, बहुत काली दिवाली थी। देखिए सीलिंग पूरी फिनिश हो चुकी है, बिल्कुल ब्रिलियंट वाइट हो चुकी है, और जो ये धब्बे दिख रहे हैं काले काले, 10 साल की पेंटिंग कर रही थी इसीलिए वो काले डब्बे ही थे। अब उसे धीरे धीरे वो सब चले जाएंगे। कलर का काम शुरू हो चुका है वॉल का, और लगभग खत्म होते ही आया है। जब वो कॉर्नर से वो ब्रश चलाना पड़ता है उसके ऊपर। देखिए सब जो गड्ढे वगैरह हैं सब प्लेन हो चुके हैं। अब लगभग रूम फाइनल हो ही गया है, फाइनल कोटिंग चल रही है। देखिए सामान लग चुका है और साफ सफाई अब लास्ट दौर में है, और सामान भी लग चुका है। देखिए इसमें हमारे को दो रूम में लगभग 14,000 कॉस्ट आया है, और 6 दिन में ख़त्म हो चुका है काम। देखिए सब पपड़ियाँ निकाल के पूरा फिनिश हो चुका है रूम। ये नागपुर के अंबाजरी का काम है। देखिए सब लग चुका है सामान, फिनिश हो गया। और ये सेकंड रूम भी किए है पिंक कलर में, ये भी बहुत ख़राब था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी मन में शंकाएं है तो कमेंट करें, मैं आपके हर सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और नागपुर में आपको पेंट करवाना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर छोड़ दूँगा। बाय दोस्तों।